अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अलाम इकबाल। ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से एक बड़ी अपडेट आपसे शेयर करनी थी कि जिनकी दरख्वास्तें कबूल हो गई हैं उनकी जान पड़ताल हो गई, उनके इंटरव्यू का शेड्यूल कल से जारी कर दिया गया है। तो इंटरव्यू किस लोगों को हो रहा है जिनकी दरख्वास्तें जो हैं वो पहले ऑलरेडी यूनिवर्सिटी को जा चुकी हैं। तो ये नोटिफिकेशन जो असल जारी है वो मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ कि जिन लोगों ने अपनी फ़ीस माफ़ी के लिए दरख्वास्तें जमा कराई थी प्रोग्राम बीए, बीएड, मास्टर और बीएस, उनकी 31 मार्च अप्लाई करने की तारीख थी, 3 को स्क्रूटनी हुई और अभी इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है जिसमें मंजूर अफराद बीए, बीएड और मास्टर लेवल के 10 को होंगे। तमाम बीए बीएससी प्रोग्राम भी 10 अप्रैल को होंगे, मास्टर प्रोग्राम भी 10 अप्रैल को और बीएड होंगे 11 को। लेकिन ये नोट दरख्वास्त के लिए देने के लिए जो रीअपियर या फेल हैं वो भी दरख्वास्त नहीं दे सकते। ये पहले शेड्यूल मैंने शेयर किया था, मंजूर अफराद को तरजीह दी जाती है और बेवाओं और यतीमों को भी तरजीह दी जाती है। अगर आप सरकारी मुलाजमीन के बच्चे हैं तो वाले साहब की तनख्वाह की फ़ोटोकॉपी लानी है। अगर आपने कभी गड़बड़ की है एग्ज़ाम शेड्यूल में इस तरह, तो तब भी आपको जो है वो अहल नहीं होंगे। इसके अलावा आपने तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट भी लाना है कि अगर आपके वाले साहब कारोबार करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि वो 10 अप्रैल को आपने सुबह 9 बजे आप असल शनाख्ती कार्ड और कागजात की कापी के साथ जो आपने CMS पोर्टल पे अपलोड किए थे उनके साथ रीजनल ऑफिस में चले जाना है। स्टूडेंट रिक्वेस्ट को लाजमी स्टेटस उसका चेक कर लेना कि अगर वहाँ पे कोई स्टूडेंट इनपुट रिक्वायर्ड आ रहा है, मसलन वहाँ से आपको कुछ कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करें या शनाख्ती कार्ड की कापी अपलोड करें, तो स्टूडेंट इनपुट रिक्वायर्ड ज़्यादातर यही होती है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती होती है, तो वो आप अभी ठीक कर लें और जो डॉक्यूमेंट आपने यूनिवर्सिटी को भेजे थे उनकी एक कापी आप फिर भी अगर पास है तो वो भी साथ लेके जानी है। कल अगर आप हाज़िर नहीं होंगे तो ज़ाहिर है तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है, तो कुछ लोग आपकी जगह वो और को दे देंगे क्योंकि ये लिमिटेड सीट्स होती हैं और लिमिटेड कोटा और पैसा होता है रीजनल कैंपस के पास। तो आपको कल हर हाल में इंटरव्यू के लिए पहुँच जाना चाहिए। जो शेड्यूल मैंने ऊपर दिखा दिया ये शेड्यूल है। मज़ीद कोई अपडेट आई तो शेयर कर दूंगा। खुदा हाफ़िज़।